यहाँ से एकदम पूरा समुद्र का ही रास्ता है और उधर जो है क्रियांश और जिया घूम रहे हैं और अब जो है चलते हैं हम लोग वर्कला बीच की तरफ। तो हमने वर्कला के पास एक होटल ले लिया है, सीधा चल रहे हैं बीच के पास। वहाँ पर नीचे बहुत सारे लोग नजर आ रहे हैं इस बीच के किनारे। ओए क्रियांश, आ रहा है मजा? एंजॉय चल रहा है। क्रियांश हाय। तो क्रियांश को यहाँ पे एक डॉग मिल गया। तो अभी बज रहे हैं जी सुबह के 7 और इस समय जो है बहुत ही तेज बारिश हो रही है। बाहर मैं आपको दिखाता हूँ और बारिश होने के बाद माहौल तो और भी थोड़ा सा एकदम नहीं कहते हैं और भी चार चांद लग गया है यहाँ की खूबसूरती में। ये देखिए, तो हम एक घने जंगल के पास, घना जंगल तो नहीं कहेंगे, एक घना बस्ती है। यहाँ पर बस्ती भी है, लोग सब बसे हुए हैं इधर और बाहर हो रही है बारिश। ये देखिए कुछ ऐसा माहौल है अभी बाहर। ओ भाई साहब क्या मस्त लग रहा है। तो हम और क्रियांश सो चुके हैं, रेडी है क्रियांश? क्रियांश भी रेडी हो गया, मम्मा भी तुछीम और इसके पापा हो रहे हैं रेडी। किस क्या अभी बोट चल रही है, कुछ देर में हम लोग पहुंच जाएंगे। तो हमारे ब्रेकफास्ट का समय हो चुका है, तो सभी लोग तैयार होकर के आ गए हैं और बोट भी लग चुका है किनारे। ब्रेकफास्ट करके जो है नीचे उतरेंगे और उधर दिया हुआ है सांभर, यहाँ दिया हुआ है करी है ये, इसके बाद जैम दिया हुआ है और ये दिया हुआ है बटर। उत्पम है उसमें, ठीक है देख लेते हैं। और इसमें दिया हुआ है जी उत्पम, जो कि देख सकते हैं यहाँ पर, मैं खोलता हूँ इसको। ओहो हो, मस्त मस्त, बहुत अच्छा लगता है मुझे उत्पम। मुझे लगा हो सकता है इन लोगों का कुछ अलग भी डिश हो, इस वजह से मैं शायद बोली। चलो कोई बात नहीं, खाते हैं। 20 मिनट्स लेट। तो हमारा ब्रेकफास्ट हो गया जी। ब्रेकफास्ट करने के बाद जो है अब हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं और उधर से जिया अपना रही। जिया आ जाओ, बाय कर रहा था सभी को, कोई बात नहीं, जाने का समय है, बाय करेगा ही। और यहाँ से हम लोग चलेंगे अब सीधा मुनरो आइलैंड और वहाँ का नज़ारा दिखाते हैं आपको। उस जगह को जो है बहुत कम लोग विजिट करते हैं, तो हम लोग सोचे कि उस जगह जाया जाए तो अच्छा रहेगा। तो हम लोग हाउस बोट से तो बाहर निकल गए हैं और अभी बैठे हुए हैं टैक्सी में। क्रियांश जो है सो गया बाहर का, जैसे ही फ्रेश फ्रेश सब आ लिया तो क्रियांश को आ गई नींद। और यहाँ से हम लोग पहुँच जा रहे हैं वर्कला बीच। जी हाँ, अब एक जो है बीच एरिया घूमा जाए, पहाड़ घूम लिया, लेक घूम लिया, अब जा रहे हैं बीच पे। तो हम लोग जाएंगे यहाँ से वर्कला बीच और यहाँ से अभी लगभग 2 घंटे के करीब का रास्ता है जो कि गूगल मैप पे मैं देख रहा हूँ। तो वहाँ चलेंगे और आज स्टे हम लोगों का वर्कला ही रहेगा और जो भी वहाँ का लोकल साइट सीइंग होगा प्लेसेस वहाँ एक्सप्लोर करेंगे। क्रियांश जो है सो करके उठ गया है और क्रियांश देखिए कहाँ बैठा हुआ है, हैंड रेस्ट का जगह होता है वहीं पर क्रियांश बैठा हुआ है। ओए पूरा फ्रेश हो गया है क्रियांश, अच्छी सी नींद पूरी हो गई है और एकदम जोश में है क्रियांश। यहाँ से आगे का व्यू दिख रहा है ना अच्छे से इसको, तो क्रियांश को भी अपना व्यू देखना चाहिए है ना। तो क्रियांश के लिए आप सोचते हैं क्या, एक जो बेबी चेयर आता है गाड़ी में लगाने वाला पीछे, वो लगा देंगे ताकि विंडो से बाहर भी दिखता रहेगा ये। क्रियांश भी घुमक्कड़ निकलेगा, पापा जितने बड़े घुमक्कड़ है बेटा उससे बड़ा घुमक्कड़ निकलता है। पढ़ाई भी करेगा, घुमेगा भी, नहीं बिल्कुल दोनों चीज, पढ़ाई ही नहीं करेगा, वेकेशन पे जाएगा, नहीं ये भी घूमेगा स्कूल बंद करके। तो हम लोग जी रुक गए हैं बीच रास्ते में और पूरे रास्ते में जो है यहाँ से एकदम पूरा समुद्र का ही रास्ता है। मजा आ रहा है क्या कहे जी, जबरदस्त लग रहा है, देख सकते हैं व्यू इधर का। ओ हो हो, और उधर जो है क्रियांश और जिया घूम रहे हैं। यहाँ का सीन तो ले लिया जी और नज़ारे को जो है अच्छे से निहार भी लिया। कैसा लगा आप सभी को यहाँ का सीन, आप लोग बताइएगा कमेंट करके। और अब जो है चलते हैं हम लोग वर्कला बीच की तरफ।
तो वर्कला बीच के जी हम लोग करीब पहुंचते जा रहे हैं और अब यहाँ से बचा हुआ है 3 किलोमीटर। और क्रियांश कुछ कहना चाह रहा था क्या? क्रियांश जो है ड्रोन लेना चाह रहा था, ड्रोन देख लिया, अब ये जिद बचा रहा है कि हमको ड्रोन चाहिए। ये तो चाहिए।, चाहिए कोई बात नहीं बेटा, बड़ा हो जाएगा तो पापा से भी अच्छा ड्रोन लेगा और अच्छे से उड़ाएगा पापा से। और जिया का तो हार्ट अटैक आ जा रहा है यहाँ पर। तो ये हो रहा है कि ड्रोन में एक फीचर दिया हुआ है, ऑटोमेटेड फीचर, कि गाड़ी चलती जाएगी और साथ में वो उड़ता जाएगा। ये जो कि अभी कुछ देर पहले आपने शॉट देखा, तो जिया की हालत खराब हो रही थी कि ड्रोन कहाँ है कहाँ नहीं है। मैं बोल रहा हूँ अरे सब सही है, और हुआ क्या बीच में बारिश हो गई बहुत तेज, अब बारिश के कारण जो है मुझे ड्रोन दिख नहीं रहा कि कहाँ पर ड्रोन है। तो भला है जी यह ड्रोन वाटरप्रूफ है, नहीं तो अच्छा खासा भी नुकसान होता। फिर उसके बाद सोचिए मेरा एक बैटरी जो है बस ये वाला शॉट लेने में चला गया जो अभी आपने कुछ देर पहले देखा। गाड़ी चल रही है, भी चल रहा। और दूसरा क्या, बहुत बड़े बड़े पेड़ थे नारियल के, पानी था। अजिया को लग रहा है कि उस नारियल के पेड़ में नहीं टकरा जाए। तो एक जगह जो है भाई साहब ने गाड़ी लगाया, कई बार आप ये काम कर चुके हैं इस वजह से डर लगता है। टकराने का देखो कितना बार टकराए, अगर आप एकदम, हम 2-3 बार टकराए हैं। और देखो ड्रोन लिया हुआ कितना हुआ है, 3-4 महीना हुआ है, जो भी हो तब अब 3-4 महीने में ही हम इतना जी हिम्मत कर रहे हैं कि आप लोगों के सामने ऐसा ऐसा शॉट लाए, ऐसा ऐसा व्यू लाए, तो थोड़ी तारीफ करनी चाहिए पत्नी को। ये तो नहीं कर रही, आप लोग कर दीजिएगा बेटा। तो हमने वर्कला के पास एक होटल ले लिया है और यहाँ से अब चलते हैं, घूमते हैं, सीधा चल रहे हैं बीच के पास। चले क्रियांश, चलना है, चलो। तो बीच पर जाने से पहले जी ले रहे हैं पानी, पानी हाँ। तो बीच पर जाने से पहले जी ले रहे हैं यह नारियल पानी जो कि 50 रुपया पीस है। कहाँ जा रहे हो भैया? राजा किधर? तो अब शुरुआत करते हैं जी, यहाँ जो बीच के करीब का इलाका है यहाँ पर जा करके वॉक करते हैं और कुछ खाने पीने का देखते हैं, क्योंकि सुबह जो ब्रेकफास्ट किया है उसके बाद हमने कुछ खाना नहीं खाया है। और जा करके जो है कुछ खाना खाएंगे तब पेट में कुछ जान आएगी, क्योंकि भाई साहब हालत खराब। अच्छा चील को देख के कर रहा है, पीछे देख रहे वो जो चील उड़ रहा है वही ढेर सारा क्रियांश को मिले जा रहा है और जोर जोर से चिल्ला रहे हैं क्रियांश। चलो क्रियांश, वहाँ पर नीचे बहुत सारे लोग नजर आ रहे हैं, लगता है यहाँ का कोई रास्ता होगा इधर से जाने का। तो चलते हैं देखते हैं कौन सा रास्ता, वहीं जाना है, वहीं से मेन मजा आने वाला है। क्रियांश ने अपना हेड फेंक दिया, जिया उठा लो इसको। यहाँ से जो जाने में अभी मजा है, तेजी में पहुँच जाएगी, चढ़ते समय उतना ही ज्यादा मजा आएगा। और तो चल रहे हैं जी, यहाँ भी देख रहे हैं ढेर सारा होटल सब, ढेर सारा रिसोर्ट सब अवेलेबल है, लेकिन हम लोग जो अपना रूम लिए हैं थोड़ा बजट में लिए हैं। हाँ हाँ, लेकिन वहाँ से भी जो है बीच का व्यू मिल रहा है हम लोगों को। लेकिन बीच के करीब का जितना भी मैं देख रहा था होटल, सभी का रेट अच्छा खासा था यहाँ पर, लेकिन हमें था कि एक बजट भी होटल लेना है। जाहिर सी बात है जी, हम सोच रहे हैं कि घूमने पर ज्यादा पैसे खर्च करें इसके मुकाबले कि हम लोग रहे। कई लोगों का होता है विचार कि घूमते समय पैसा नहीं देखा जाता है, नहीं जी हम तो पैसा देखते हैं घूमते समय, क्योंकि हमको ज्यादा घूमना होता है। रहने पर तो कहीं भी रह लेंगे, बस एक पर बेड चाहिए और अच्छा सा वहाँ का माहौल हो, और क्रियांश के लिए स्पेशली देखते हैं, वरना हम तो नॉन एसी में भी रह ले, क्रियांश की वजह से जो है एसी रूम में ले लेते हैं, क्योंकि रात में ये मजे में सो पाए और आराम से सो पाए। तो ऐसे ही बातचीत करते करते हम लोग जो है पहुँच गए बीच के किनारे, तो चलते हैं अब वहाँ। तो पहुँच गए बीच के किनारे और इधर भी ढेर सारा रेस्टोरेंट है और ढेर सारा शॉप है, आजकल तो लगभग हर जगह हो गया है कमर्शियल, हर चीज मिल जाता है। अच्छा डाइविंग का भी यहाँ होता है क्या? वाह बढ़िया है, वहाँ पर है डाइविंग का, वाटर स्पोर्ट, जेट्स की सब भी है सब। ये ऑफिस पता नहीं होता भी है कि नहीं, अभी यह बंद कर रखा है, नहीं पता। यहाँ पर जिया रुकी हुई है एक ड्रेस खरीदने के लिए, क्रियांश के लिए देख रही है कुछ ड्रेस, तो ये है इस टाइप में ही देख रही जिया, कुछ और वैरायटी मिल जाए तो काफी अच्छा रहेगा। तो शर्ट ले लिया क्रियांश के लिए, अपने लिए भी एक ले लिया है, और उसके बाद आ गए हैं इस बीच के किनारे। तो देख सकते हैं जी क्या मस्त मौसम है, धूप अभी खत्म है लेकिन कुछ ही देर में जो है सूर्य देवता कभी भी नजर आ जाएंगे, और इंद्र देवता भी कब बरस पड़ेंगे कोई ठीक नहीं यहाँ का। तो ऐसा ही मौसम है और मजा आ रहा है जी, क्रियांश को भी खूब मजा आ रहा है, शाम के समय जो एक बार फिर से आएंगे तो और भी ज्यादा मजा आएगा। वहाँ पर जो है रोप लगा हुआ है कि उसके पार हम लोगों को नहीं जाना है, तो उसके पार नहीं जाएंगे। बाकी बर्ड्स बहुत ज्यादा दिख रहे हैं, दुनिया भर का कौवा कबूतर और किस किस तरह का, हाँ यही दो है सब। ये देखिए ये है, देख रहे हैं खूब है यहाँ पर। अब ड्रोन चलाने में डर लग रहा है कि ड्रोन के ऊपर ना अटैक कर दे ये सब, यही इशू लग रहा है। ओए क्रियांश आ रहा है मजा, ओए होए होए मजा आ रहा है क्रियांश, अरे मजा आ रहा है।
तो यहाँ क्रियांश को देख सकते हैं क्या कर रहा है। क्रियांश क्या कर रहे हो? क्रियांश वर्कला बीच से तो घूम करके आ गए और आ गए हैं अब अपने रूम पर और यहाँ का नजारा आपको दिखाते हैं जी क्या बेहतरीन है। देख रहे सामने ही है बीच व्यू, तो बीच व्यू भी मिल रहा है और बारिश का मजा भी ले रहे हैं, मजा आ रहा है। ओहो क्या मौसम है भाई साहब, क्या मौसम है, भीगना नहीं है क्या? मतलब सर्दी लग जाए, भीगने का रिस्क लास्ट दिन ले लेंगे। यहाँ पे हल्का फल्का झटका है, चले गए वो। हाँ हाँ तो यहाँ सामने बालकनी में भी हमारा अच्छा खासा पानी आ गया है, तो अच्छा खासा झटका आ रहा है आगे से, लेकिन मज़ा आ रहा है। जो भी कहिए मज़ा आ रहा है, ज़िंदगी में और क्या चाहिए जी। एकदम बीच के सामने है अपना रूम और इतना और बारिश, सामने नारियल का पेड़ और ठंडी ठंडी हवा, और क्या चाहिए ज़िंदगी में। हो गया, जी लिए ज़िंदगी, ज़िंदगी जी ली, अभी और जीना है। और जीना है, कोई बात नहीं जी, और जियेंगे, और भी मस्त मस्त चीज़ देखना है। दुनिया में इतनी सारी खूबसूरत चीज़ें हैं, उसमें से कोई एक चीज़ हम देख लिए हैं, बाकी और भी चीज़ देखना है। भगवान का प्यार और आशीर्वाद बना रहा तो, और अब जो है जा करके सोचते हैं थोड़ा सा सो ले, क्योंकि थक गए हैं सवेरे सवेरे जो वहाँ से उठे हैं और जो घूमे हैं, और क्रियांश अच्छा खासा थकाया है बीच पर, तो उसके बाद जो है सोएंगे, फिर उसके बाद उठेंगे एक दो घंटे बाद, तब जा करके घूमेंगे, तब एकदम शरीर रहेगा रिफ्रेश, घूमने में भी मजा आएगा। और लहर देख रहे बहुत तेज चल रही है, एकदम बारिश के बाद लहर और तेज हो जाता है क्या? लहर पहले से ही तेज था, नहीं पता। हाँ पहले से ही तेज होगा फिर, हाँ हो सकता है। तो अभी हम लोग पास वाले ही बीच पे आ गए, इधर से उधर ही हमारा जो है होटल है और उधर पति देव और क्रियांश दोनों एंजॉय कर रहे हैं। मैं यहाँ पे बैठी हुई हूँ, अभी मैं दिखाती हूँ आपको, ये देख सकते हैं इन दोनों को, एंजॉय चल रहा है, मैं बैठी हूँ। क्रियांश हाय, क्रियांश सोच रहा है ना कि मैं नीचे छोड़ दिया जाए या फिर हम खेलेंगे, तो क्रियांश को यहाँ पे एक डॉग मिल गया और बहुत प्यार कर रहा है इसका। कितना खुश है, कितना खुश है, हो गया हो गया, इसका मन भरने वाला है बच्चा करने।